कहानी है जीवक की। वो मगध राज्य का राजवैद्य था और बाद में गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसका वर्णन बौद्ध साहित्य विनय पीटक में किया गया है। कहानी कुछ यूं है। बहुत समय पहले राजगीर नगर में एक वैश्य रहती थी। उसका नाम था शालवती। एक दिन शालवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन समाज के डर से वो उसे बहुत दूर छोड़ आई। उसी रास्ते से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसकी नजर नवजात शिशु पर पड़ी। राजकुमार उसे उठाकर अपने राजमहल में ले आया और उसका पालन पोषण किया, और यूं उसका नाम जीवक पड़ गया, यानी जीवित। जीवक बड़ा हुआ तो उसे अपने जन्म के बारे में पता चला। उसने तय किया कि अब वो राजकुमार पर आश्रित नहीं रहेगा, कोई विद्या सीखेगा ताकि अपनी रोजी आप कमा सके। उन्हीं दिनों तक्षशिला में एक वैद्य और आचार्य रहते थे, जिनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। जीवक उनके पास पहुंचा और बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो इस तरह 7 वर्ष तक जीवक ने अपने गुरु की सेवा की। आखिर एक दिन उसने गुरु से पूछा, मेरी शिक्षा कब पूरी होगी? आचार्य ने उसे एक कुदाल दी और कहा, तक्षशिला की चारों दिशाओं में एक एक योजन की दूरी तक जाओ और ऐसी वस्तु तलाश करो जो औषधि ना हो। जीवक तक्षशिला की चारों दिशाएं घूमकर निराश होकर लौट आया। उसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो औषधि ना हो। तब आचार्य ने कहा, जीवक, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम ये जान गए हो कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो औषधि ना हो। तुम्हारी शिक्षा अब पूरी हो चुकी, और यही है आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, न आन औषधम किंचित। आयुर्वेद की विचारधारा की जानकारी हासिल करने के लिए मैंने पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुभाष शानडे से बातचीत की। फिर भी आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत है वो हर विचारधारा में समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत शाश्वत है, न बदलने वाले है। जैसे कि ये विचारधारा कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो औषधि ना हो। हाँ, न अनौषधम किंचित। लेकिन चरित संहिता के अनुसार इस विचार को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? चरक के अनुसार शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो भी कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, ये सब पंचमहाभूत से बना हुआ होता है। पंचमहाभूत मतलब वही ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। हाँ, इन पंचमहाभूतों का शरीर में परिवर्तन होता है। मतलब कि जो बाह्य पंचभौतिक पदार्थ है वो शरीर के पंचमहाभूत में बदल जाते हैं। एक अंश जो धातु यानी कि रक्त, मांस, हड्डियां, इन पोषक तत्वों में बदल जाता है, और दूसरा यानी कि शेष अंश मल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शरीर में पेशाब, पसीना और त्रिदोष बनते हैं। त्रिदोष मतलब कि वात, पित्त और कफ। अच्छा, तो इन औषधियों का काम ये है कि दोषों को कम करना और धातुओं को बढ़ाना? ये बात नहीं। एक स्वस्थ शरीर में भी उपयुक्त मात्रा में मल का होना जरूरी होता है। असंतुलन से
रोग पैदा होते हैं, जैसे कि शरीर में कमजोरी। जब यह कमजोरी माउस या मस्कुलर टिश्यू और कफ दोष कम हो जाने से पैदा होती है, तब या तो रोगी को सलाह देंगे कि माउस खा लो, या तो ऐसी चीज़ें खाने को देंगे जिससे कफ बढ़े, जैसे कि गेहूँ और उड़द, या तो ज़्यादा शारीरिक श्रम न करने को कहेंगे। अच्छा, तो सही औषध उन तत्वों को बढ़ा देती है जिनकी शरीर में कमी है, और उन तत्वों को कम कर देती है जो जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, शायद इसीलिए आयुर्वेद में हर एक रोग के लिए इतने ढेर सारे इलाज है जी। और वैद्य शास्त्र को एक कला भी माना गया है। हाँ, ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही। हाँ। अब न अनौषधम किंचित का कारण तुम्हारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि संसार के तमाम तत्व पंचमहाभूतों से ही बने हुए होते हैं, इसलिए हरेक में किसी सामान्य या विशेष प्रक्रिया की क्षमता तो होगी ही, और यही कारण है कि किसी न किसी अवस्था में हर वस्तु औषध का काम कर सकती है। आयुर्वेद यानी आयु की विद्या, ये स्वास्थ्य के बारे में हमारे देश की सबसे प्राचीन विद्या है। जीवक बुद्ध का निजी वैद्य था और उसका अपने समय में बड़ा नाम था, यानी बुद्ध के समय तक आयुर्वेद काफी लोकप्रिय हो चुका था। आयुर्वेद की दो संहिताओं में से सुश्रुत मुख्य रूप से शल्य क्रिया या सर्जरी से जुड़ा है, और चरक इलाज के दूसरे तरीकों से। इतिहासकारों का अनुमान है कि इन संहिताओं की रचना दूसरी सदी ईस्वी में की गई, लेकिन इनमें कई सदियों के दौरान हासिल की हुई विद्या समाई है। 20वीं सदी में आजादी के लड़ाई के दौरान आयुर्वेद की शिक्षा और चिकित्सा को फिर बढ़ावा मिला, और आज तो देश में बहुत से आयुर्वेदिक अस्पताल और महाविद्यालय हैं, जहां नई औषधियों और इलाज के तरीकों पर रिसर्च चल रही है। रंजन और मैं गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद को करीब से देखने समझने आए हैं। रंजन सुश्रुत परंपरा में शल्य चिकित्सा यानी आयुर्वेद की सर्जरी को समझ रहे हैं, और मैं चरक परंपरा में काया चिकित्सा को, वो चिकित्सा जो औषधि के जरिए की जाती है। देखिए, यहाँ पर नस्य कर्म चल रहा है। सबसे पहले रोगी को सिर प्रदेश का स्नेहन और स्वेदन करके उसको तैयार किया जा रहा है। इन्हें क्या बीमारी है? ये जीर्ण बहुत देर से जो है सर्दी जुकाम से और सिर के दर्द से पीड़ित हैं, इसलिए जो है ये इनका हम नस्य कर्म कर रहे हैं। इसमें मनासलादि नस्य की 8-8 बूंदें दोनों ही नासा के अंदर डाली जाती हैं, और इस प्रकार हम माइग्रेन आदि डिसीजेज को भी क्योर कर लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। देखिए, ये कंचन नाम की लड़की है, उभी थे जाओ बेटा, उभी थे जाओ। अंग्रेजी में इसको जो है स्यूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, और इसमें देखिए काफ मसल्स की जो है बहुत कठिन हो गई हैं। ये कॉन्जेनाइटल डिसीज है, बहुत मुश्किल से क्योर होती है। इसको आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? देखिए, ये बच्चे को षष्ठीशाली पिंड स्वेद के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले इसके जो है मेडिसिन बांधी गई है, इसको तल बोलते हैं, और इसका जो है ये तेल से, बला तेल से अभ्यंग हो रहा है। जो आप कढ़ाई देख रही हैं, इसके अंदर बला और दूध का क्वाथ इक्वल पार्ट में डाल करके और गर्म हो रहा है, और ये जो पोटली आप देख रही हैं, ये पोटली चावल की बनाई हुई है, और जब ये ठंडी हो जाती है और उसमें डिप कर रहे हैं। ये जो औषधियाँ आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप खुद उगाते हैं कि बाहर से मंगवाते हैं? देखिए, अधिकतर जो वनस्पतियाँ हम लोग यहाँ यूज करते हैं, वो वनस्पतियाँ पहाड़ों और जंगलों में होती हैं, और वहाँ के रहने वाले आदिवासी इनको कलेक्ट करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, और फिर वो हम खरीद लेते हैं। रामनाथन और मैं बस्तर में गंजुआ राम जी नाम के भगत से मिले थे। उस दिन वो जंगल में कुछ खास पत्तियां ढूंढ रहे थे। उसी दिन एक लड़का साइकिल से गिर गया था और उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। आयुर्वेद में आदिवासी और लोक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने पर जोर है। इस तरह ये अपने समय की सब विद्याओं में अनोखा है।
सुश्रुत संहिता में कहा गया है, औषधियों में जो जड़ी बूटियां काम में आती हैं, उनको पहचानने के लिए वैद्य को उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो जंगलों से फल फूल पत्तियां और कंदमूल ढूंढकर लाते हैं, जैसे कि शिकारी, चरवाहे वगैरह। दवाई है किसी काम की? खाने का वो। जंगल में चलते चलते हमने देखा कि औषधि में काम आने वाली हर चीज के लिए वो बड़े चौकन्ने थे। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, कौन सी बीमारी के लिए है ये? पत्तियाँ, छाल, जड़ी बूटियाँ, चिकन आप पीस करके मतलब उसमें लगा देते हैं, दीमक की बांबियों की मिट्टी वगैरह। फिर हम लड़के के घर गए। राम खाने से यार मैं बिल्कुल खाए तो पिजरिया में माटी दाई के उती पाए से माटी पाए से। गंजुआ राम जी ने हड्डी बिठाकर लेप लगाया और पट्टी बांधी, मगर जमीन पर शराब उड़ेल कर भूत प्रेत को भगाना भी उनके इलाज का हिस्सा था। निरीक्षण और अनुभव पर आधारित ज्ञान और जादू टोना, इनका साथ साथ चलते रहना कितनी अजीब पर कितनी आम बात है। गंजुआ राम जैसे आदिवासियों और लोक परंपराओं से नया कुछ सीखने में आयुर्वेद कभी नहीं झिझका, पर उस समय की बाकी विद्याएं ऐसी नहीं थी। वो या तो सैद्धांतिक थी जैसे कि व्याकरण, या फिर ब्राह्मणों के धर्म कर्म से जुड़ी हुई थी जैसे कि ज्योतिष। इनमें आम आदमी के रोजमर्रा के ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसी विद्या थी जो रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत करीब थी। हाँ, वैद्य के लिए यह जरूरी था कि वो प्रकृति की हर चीज को बारीकी से परखें, प्रकृति के पदार्थों और शरीर पर उनके असर का निरीक्षण करें और उन पर प्रयोग करें, तभी वो बीमारियों का असरदार इलाज कर सकता था। चरक संहिता के अनुसार रोग को समझने के तीन उपाय हैं, बुजुर्गों की शिक्षा, खुद निरीक्षण और तर्क और विश्लेषण के सहारे निदान। पर जरूरी है कि बुजुर्गों की शिक्षा निरीक्षण और विश्लेषण की कसौटी पर खरी उतरे। निरीक्षण और प्रयोग पर जोर आधुनिक विज्ञान का यही आधार है, और सर्जरी जैसे कामों में तो जाहिर है इनका महत्व और भी होगा। सुश्रुत परंपरा में हमें यही देखने को मिलता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार एक चिकित्सक को पंच महाभूतों के अलावा किसी अन्य तत्व की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देखे तो आत्मा का होना न होना चिकित्सक के लिए गैर जरूरी हो जाता है। चरक परंपरा हमारे समाज में सदियों तक जीवित रही, जबकि सुश्रुत परंपरा धीरे धीरे मिट गई। हालांकि सुश्रुत संहिता में एनेस्थीजिया और असेप्सिस का ज्ञान, विविध तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और उनके कार्य की जानकारी, सदा हुआ विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, यह सभी कुछ है। उसके उपलब्धियों में शामिल है प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद निकालना, शरीर के अंगों को काटना, एम्प्यूटेट करना या दूसरी ऐसी शल्य क्रियाएं। शल्य चिकित्सा के कुछ मामलों में आयुर्वेद के उपाय काफी असरदार हैं, जैसे फिस्टुला ठीक करने के लिए क्षार सूत्र का इस्तेमाल। के सूत्र के ऊपर जो क्षार है, इसका जो एक्शन है ये एंजाइमोलिटिक एक्शन है। इसके लिए मरीज को बेहोश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, 5 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो जाता है और मरीज अपने काम पर वापस जा सकता है और पूरे का पूरा हीलिंग प्रोसेस जो है राइटली हो जाता है। कुछ ही हफ्ते इलाज के बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। इस ऑपरेशन के लिए जो क्षार सूत्र उपयोग में लाया गया, उसे बनाने के लिए थोड़ नाम के एक आम कैक्टस से गोंद जैसा रस निकालकर धागे पर लगाया गया, फिर उस पर अपमार पौधे की राख लगाई गई और उसके बाद हल्दी। ऐसे 10-12 लेप लगाने के बाद क्षार सूत्र तैयार हो गया। यही क्षार सूत्र है फिशुला की शल्य चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का औजार। मतला करके आप पैरा सर्जिकल मेजर्स का इस्तेमाल करिए, और उसमें उन्होंने क्या गिनाया है
जुलौका, क्षारसूत, अग्नि इत्यादि। डॉक्टर कुलवंत सिंह क्षारसूत्र जैसी और भी कुछ पैरासर्जिकल इलाजों पर काम कर रहे हैं। ये देखिए, कैंसर जैसी भयंकर व्याधियाँ जिसमें आयुर्वेद में आज तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं और कुछ बीमारियों के इलाज में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब जरूरत है कि इन सभी तरीकों की पूरी तरह वैज्ञानिक जांच की जाए। तो आयुर्वेद एक ऐसी विद्या थी जिसमें अपने अनुभव के आधार पर सवाल उठाए जा सकते थे। गुरु से शिक्षा पाने का महत्व तो था ही, पर शिष्य के अनुमान और निरीक्षण का महत्व कुछ कम नहीं था। बीमारों का इलाज करने और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वैद्य को हर जात पात, हर समुदाय के लोगों से मिलना जुलना पड़ता था। शरीर को ठीक से समझने के लिए उसे पशुओं की और मनुष्य की लाशों को काटना पड़ता था। पर ऐसी विद्या और खुली विचारधारा आने वाले जमाने के बंद हालात में आगे नहीं बढ़ सकती थी, जहां अलग अलग जातियों के लोगों का साथ उठना बैठना, खाना पीना और यहां तक कि एक दूसरे को छूना तक मना हो रहा था। जब शिक्षा ऊंचे वर्गों के थोड़े से लोगों को, या कहे ब्राह्मणों तक सीमित थी, और जब गुरु का वाक्य ही अंतिम आदेश होता था, ऐसे में विवाद तो छिड़ना ही था। छठी शताब्दी के आते आते वैद्यों का दर्जा बिल्कुल नीचे आ गया। सभी स्मृतियों में कहा गया है कि उनका दिया खाने वाला दूषित हो जाता है। वैद्य को शिकारी, चोर, हिजड़े और जात निकाला के बराबर माना गया। मनु ने तो यहाँ तक कहा कि वैद्य को दी गई दक्षिणा पीप में बदल जाती है। व्यापार, अभिनय, चोरी और शूद्र की नौकरी के साथ साथ वैद्य के काम को भी ब्राह्मणों के लिए अयोग्य कहा गया। यह सब अगली कुछ सदियों में होने को था। दूसरी या तीसरी सदी में जब चरक और सुश्रुत संहिताओं की रचना हुई, तब समाज में काफी उथल पुथल हो चुका था। मध्य एशिया में सूखा पड़ने की वजह से वहां से लोग यहां आकर बसते गए थे। शुंग, शक, कुषाण, हुन। युद्ध हुए, मेल मिलाप हुआ और धीरे धीरे उत्तर भारत में एक नई शहरी सभ्यता ने जन्म लिया। कुषाण सम्राट कनिष्क की ये मशहूर बिनासर की मूर्ति मथुरा म्यूजियम में है। इस पर ब्राह्मी में लिखा है, महाराजो राजाति राजो देवपुत्रो कनिष्को। महाराजा राजाओं का राजा, देवताओं का पुत्र कनिष्क। उसके राज्यकाल में कुषाण साम्राज्य अपने शिखर पर था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और सोवियत संघ के भाग इसमें शामिल थे। भारत में ये दक्षिण में सांची और पूरब में काशी तक फैल गया था। इस क्षेत्र में मथुरा को राजधानी का दर्जा हासिल था। बहुत से नए कस्बे शहर बने, खुशहाली और अमन के माहौल में व्यापार बढ़ा, हस्तकलाएं उभरी। अब तक इस तरह की कारीगरी ज्यादातर लकड़ी और हाथी दांत पर की जाती थी, लेकिन दूसरी शताब्दी के दौरान पनप रही एक नई परंपरा में लाल सैंडस्टोन पर भी प्रयोग किए गए। शिल्प कला की इस मथुरा शैली में मानव रूप के बड़े सुंदर उदाहरण हैं। कुषाण काल की शहरी सभ्यता अपने से पहले और काफी समय बाद तक की किसी भी शहरी सभ्यता से ज्यादा विकसित थी। उस समय के साहित्य में 70 से भी अधिक व्यवसायों का जिक्र है। सोनार, पारखी, शिल्पकार, तेल और शराब बनाने वाले, नट नर्तक, गायक वादक,
व्यापार, दरबार, कानून कचहरी के मुंशी वगैरह। इस शहरी जीवन में एक तरह की स्वतंत्रता थी। राज्य के या अपने खुद के काम से लोग कारवाओं में दूर दूर तक आते जाते थे। समाज में एक खुलापन था। कुषाण राज्य में वर्ण और जाति प्रथा का असर उतना गहरा नहीं था जितना गुप्त काल तक होने वाला था। बेहतर जिंदगी चाहने वाला उसे पाने की भी उम्मीद रख सकता था। बढ़ती हुई आबादी के लिए शहर कस्बे किन बातों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे, ये उनके बचे हुए ढांचों से मालूम होता है। जैसे यहाँ मथुरा के पास सौंक में सीमाओं पर सुरक्षा दीवारें, महलों, मंदिरों, बाजारों की खास जगह हैं, ये सब तो शहर योजना के हिस्से होते ही थे। साथ में सार्वजनिक सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ता था, जैसे विश्राम घर, सड़कें, नाले नालियां, कुएं टंकियां। एक विशाल कुषाणकालीन जलाशय मिला है इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में। बारे में मजे की बात यह है कि अक्सर खुदाई में वो चीजें नहीं मिलती जिनको वे खोज रहे होते हैं, पर ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं जिनको वे नहीं खोजते। गंगा किनारे पुराने श्रृंगवेरपुर का यह जलाशय भी ऐसा ही है। श्रृंगवेरपुर में खुदाई इसलिए की गई क्योंकि रामायण में इसका जिक्र आता है, पर इस जलाशय का रामायण से कोई नाता नहीं। यह तो कुषाण काल या उससे कुछ पहले का है, यानी 2000 साल पुराना। ये नगर के लगभग 10-15 हजार लोगों के लिए साल भर का पानी का साधन था। उस समय नदी काफी दूर बहा करती थी, इसीलिए जब उसमें बाढ़ आती थी तभी वो पानी इस जलाशय में लाया जाता था। लेकिन बाढ़ का पानी ही क्यों, वे नदी को ही मोड़ कर यहाँ क्यों नहीं लाए? पहली बात तो ये कि गंगा बहुत गहरी है, उसका तटबंध भी पानी से बहुत ऊंचा है, इसीलिए ऐसी नदियों से सीधे पानी निकालना मुश्किल है। पर उन लोगों ने बड़ा अनोखा काम किया, गंगा में मिलने वाले इस छोटे से नाले पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि साल दर साल जब गंगा में बाढ़ आती तो इस नाले का पानी उल्टा बहने लगता, इसीलिए उन्होंने नाले के तटबंध को काट कर एक नहर खोद डाली। बाढ़ के दौरान नाले से पानी उस नहर में लाकर जलाशय में लाया जाता था। अच्छा। बाहर का मिट्टी से भरा पानी पहले इस गोलकोटर में आता और फिर दूसरे गोलकोटर में चला जाता। पानी में मिली मोटी मिट्टी, पत्थर वगैरह इन कोटरों की पेंदी पर जमा हो जाते और इस तरह थोड़ा सा साफ हुआ पानी पहले टंकी में जाता। इतनी सारी टंकियां क्यों, एक बड़ी टंकी से उनका काम नहीं चलता? बात ऐसी है कि ये टंकी भी पानी से मिट्टी अलग करने का काम करती थी, बची हुई बारीक मिट्टी। इस बारीक मिट्टी को अलग करने के लिए जरूरी था कि पानी धीरे धीरे बहे और इस तरह टंकी में ज्यादा देर तक रहे। अच्छा रामनाथन, ये काम उन्होंने कैसे किया होगा? हाँ, यहीं से पानी इस पहली टंकी में आता था। ये रास्ता मुड़ा हुआ है और इनमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से पानी का जोर कम हो जाता था और टैंक भी पूरी तरह रेक्टेंगुलर नहीं है। और देखो, जहां से पानी इस पहली टंकी से मुख्य टंकी में जाता है उसी तरफ से ज्यादा चौड़ी हो जाती है। इसके अलावा ये तिरछी दीवारें देखो, इनसे टंकी का मुंह ऊपर की तरफ और चौड़ा हो जाता है। इसीलिए जब पानी इस टंकी में आता था तो ऊपर की तरफ और फैल जाता था। यही साफ पानी ऊपर स्तर से इस मुख्य टंकी में आता था। यानी ये जलाशय कुछ वैसे ही था जैसे हमारे आज के शहरों का फिल्ट्रेशन सिस्टम। हाँ, तुमने ठीक कहा, हाइड्रोलिक इंजीनियर्स भी यही कहते हैं। इस जलाशय के बुनियादी सिद्धांत वही थे जो आज भी लागू होते हैं।
देखो यहाँ से पता चलता है ना कि ये जलाशय कितना बड़ा है। हाँ, तभी तो 10-15 हज़ार लोगों के साल भर के पानी की जरूरत पूरी हो सकती थी। देखो, खुदाई के दौरान यहाँ कुषाण काल से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक के अवशेष अलग अलग परतों में मिले हैं। कितना गहरा है ना ये? हाँ। बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जाने क्यों इस जलाशय को आमने सामने देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे हमेशा यह अंदाज तो रहा है कि इजिप्ट के पिरामिड, सिंधु के शहर और ताजमहल, ये सब बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन हरदम यही लगता रहा कि ये सिर्फ संस्कृति की निशानी है बस। विज्ञान की बात तो कभी मन में नहीं आई। असल में विज्ञान को मैं हमेशा आधुनिक ही मानता रहा हूं। अगली सुबह जब हम श्रृंगवेरपुर से गुजर रहे थे तो एकादशी के मेले की तैयारी हो रही थी। रंग बिरंगी पोशाकों में दूर दराज के गांव से लोग रामायण काल से जुड़े स्थान पर गंगा स्नान के लिए इकट्ठा हो रहे थे। हमें यह अजीब लगा कि वो जगह जिसका जिक्र रामायण में एक बार आ गया तो तीर्थ स्थान बन गई, लेकिन उसी जगह एक विशाल जलाशय जो अपने आप में इंजीनियरिंग की एक महान उपलब्धि रही होगी, उसे न कोई जानता है ना ही महत्व देता है। यहाँ तक कि इसका लोक कथाओं में भी कोई जिक्र नहीं। सदियों पहले था मौर्य काल, सब कुछ था उनकी मुट्ठी में, पर गुप्त काल आते आते बंटवारा भू सत्ताओं में और अधिक भूमि की हुई जुताई, वृद्धि हुई लगानों में, मालिक को कर राजा को धन देते किसान दबाव में। बीज ने बोने से पड़ा खाने पीने में बड़ा अंतर, नई नई फसलों से हुआ खेतों का पूरा रूपांतर। गेहूं धान और जौ तो थे पहले से ही सबके घर, गन्ना नारियल कद्दू नाशपाती पान आए अब घर घर। ना जंग लगे लोहा ऐसा खेतों को, जोते जम के और जीत जंग में हो ऐसा। ये चीजें थी मजबूत मगर साथ साथ थी बारीकी, उत्तम थी ऐसी कारीगरी जो कई उद्योगों तक फैली। तकनीक बढ़ी नफीस हुई सूत और रेशम बुनने की कला, मसालों काली मिर्च के साथ इनका व्यापार भी खूब चला। बदलाव के इस माहौल में तब विज्ञान भी कुछ आगे बढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि इस गाने में ये नया आदमी कौन आ टपका। ये थे बंगलूर के रघुनंदन, न्यूक्लियर फिजिक्स के पीएचडी हैं। रामनाथन को
घरेलू दिक्कतों के कारण हमें मजदार में छोड़कर वापस मद्रास जाना पड़ गया है। ये मेज इतनी सख्त क्यों है और किताब के पन्ने इतने लचीले? इस मग का रंग भूरा क्यों है और आसमान का नीला? इस संतरे की सुगंध इतनी तीखी क्यों है? मेरे हाथ में ये संतरा है भी या नहीं? है, क्योंकि मेरी सेंसेस मुझे बताती है कि ये सचमुच है। ये सब विज्ञान के सवाल हैं और फिलॉसफी के भी। विज्ञान के लिए एक ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण जरूरी है जो ज्ञानेंद्रियों पर भरोसा करे। अगर मुझे अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विश्वास न हो तो मैं अपने से बाहर की किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं मान सकती, और अगर अपने से बाहर कोई दुनिया असल में हो ही नहीं तो साइंस का क्या मकसद होगा? साइंस का फिर मतलब ही क्या होगा? गुप्त काल के दौरान बुद्ध धर्म का प्रभाव घटने लगा था और ब्राह्मणवाद जोर पकड़ रहा था। बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच दार्शनिक विवाद छिड़ रहे थे, और तो और एक धर्म के अलग अलग गुट भी एकमत नहीं थे। ये विवाद कई प्रकार के थे, लेकिन विज्ञान के लिए हमें इतना ही जानना जरूरी है कि प्रकृति के बारे में और ज्ञान इकट्ठा करने के प्रति उनका क्या नजरिया था। जो विचारधाराएं तर्क, अनुमान और निरीक्षण को ज्ञान का स्रोत मानती थी, उनको हम मोटे तौर से भौतिकवादी कह सकते हैं, जैसे न्याय वैशेषिक। उनका दबदबा रहा होता तो विज्ञान के लिए यह अच्छी बात होती। इनके विपरीत था मायावाद, जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को मिथ्या और साक्षात ज्ञान को ही यथार्थ मानता था, और इन्हीं लोगों में थे वेदांती। और समाज में इन वेदांतियों का ही बोलबाला रहा। वैसे न्याय वैशेषिक और वेदांती दोनों ही वैदिक परंपरा के थे। इनके अलावा एक और विचारधारा थी लोकायतिकों की। लोकायतिक दार्शनिक विवाद को बेकार समझते थे। वो अतिभौतिकवादी थे। उनकी बातों में दैनिक जीवन की व्यावहारिक समझ झलकती है। उन्हें लोकायतिक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो इस लोक से परे किसी परलोक में विश्वास नहीं करते थे। यही वो समय था जब नालंदा जैसे बौद्ध विश्वविद्यालय पनपे। यहां पूरे समाज के ज्ञान का भंडार होता था। इन केंद्रों में एशिया भर के छात्र पढ़ने आते थे। उन्हें आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। दर्शन शास्त्र तो था ही, और आज की विश्वविद्यालय की तरह तब वहां भी वाद विवाद, विचार विमर्श होता था। ये क्या है, पेड़? मेरा ख्याल तो यही है कि यहाँ पर एक पेड़ है। मैं इसे देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, चख सकता हूँ, यानी इसके फलों को। इसे सूंघ भी सकता हूँ, और हवा चले तो इसके पत्तों की सरसराहट भी सुन सकता हूँ। तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां इस पेड़ को देखती है और महसूस करती है, इसीलिए पेड़ है। तो फिर इसमें शंका क्यों मेरे मायावादी मित्र? क्योंकि मेरे भौतिकवादी मित्र, हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें धोखे में डाल देती। वो हमसे सच को छुपाती है, सच तक पहुंचाती नहीं। वो कैसे? लो, बहस शुरू हो गई, पेड़ है या पेड़ नहीं। पर हम लोकायतिकों को इससे क्या? हमें तो मतलब है पेड़ के फल खाने से या इसकी लकड़ी जलाने से। कोई आवाज सुनी तुमने? होगी पत्तों की सरसराहट। सरसराहट? हाँ, लो अब देखो मजा। क्यों भाई, क्या हुआ? मैं कह रहा था ना, हमारी ज्ञानेंद्रिया किस तरह हमें धोखे में डाल देती है। मैं इस रस्सी को ही साफ समझ बैठा। मेरी ज्ञानेंद्रियों ने कहा यहाँ साफ है, जब यहाँ कोई साफ नहीं था। वैसे मैं सत्य के ज्ञान से बहुत दूर हूँ,
लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ। हाँ, सांपों से घिरे रास्ते पर। लो, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। ये कुआं देखते हो? हाँ। अगर ये कुआं यहाँ ना होता, क्या तब भी तुम इसे देख पाते? नहीं। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें जो कुआं दिखाई देता है उसका कारण है कुएं का यहाँ होना। और जरूरी है कि जब जब तुम कुआं देखो वहां सचमुच एक कुआं मौजूद हो। निश्चय ही। लेकिन जब कुआं सपने में देखते हो तब जागने के बाद वहां कोई कुआं नहीं होगा। यह जीता जागता जीवन भी एक सपने की तरह है और यह कुआं यहां सचमुच है तुम साबित नहीं कर सकते। मित्र, मैं जानता हूं कि कुएं का सपना एक भ्रम है, क्योंकि मेरे जागने पर मेरी इंद्रियां और विवेक मुझे ये बता देते हैं कि वो एक सपना था। अब इसी से साबित होता है कि इंद्रियां और विवेक ही सच का ज्ञान कराती है। और जब तुम अपने सपने को भ्रम मानते हो तब तो तुम भी अपनी इंद्रियां और विवेक पर ही भरोसा करते हो। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इंद्रियां और विवेक भ्रम जाल हैं, धोखा देते हैं? इस तरह तो तुम अपने ही विचारों का विरोध कर रहे हो। चलो मान लिया कि कुआं है, पर क्या इसमें पानी है? ओफो, ये लोकायती कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बात तो बिल्कुल साफ है, साइंस की फिलॉसफी तो भौतिकवाद ही है, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है दुनिया की सब चीजें। वो किससे बनी हैं, कैसे बनी हैं, उनके पीछे क्या नियम हैं। हाँ, और इसीलिए अगर दुनिया को माया मान लिया जाए तो साइंस का आधार ही नष्ट हो जाता है। और अपने सेंसेस, अपने रीजन पे शक हो तो साइंस के पूरे मेथड पे शक करना पड़ेगा। मायावाद साइंस का कट्टर विरोधी है। पर हमारे समाज में तो मायावाद ही जीता। जिताया गया जनाब, सत्ताधारियों का वेस्टेड इंटरेस्ट का भरपूर सपोर्ट जो मिला उसे। ये काफी बड़ा कारण रहा होगा ना, जिसने हमारे समाज में बार बार साइंस को आगे बढ़ने से रोका। बिल्कुल, इसीलिए गुप्त राज दरबार के नवरत्नों में कालिदास जैसे नाटककार तो थे, जबकि आर्यभट्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर को कोई सम्मान नहीं मिला। माना जाता है आर्यभट्ट ने नालंदा में पढ़ाया भी था, खगोल शास्त्र सब्जेक्ट तो था ही। चौथी से सातवीं सदी खगोल शास्त्र के लिए बड़ा क्रिएटिव पीरियड था। आर्यभट्ट एक पहेली में कहते हैं, षष्टि अब्दानम षष्टिर्यदा व्यतिता त्रयश्च युगपादाः त्रिअधिकाः विंशतिरब्दाः स्तदेह मम जन्मनोः अदिताः। जब तीन युग और 60 बरस 60 बार गुजर चुके तब 23 साल पहले मेरा जन्म हुआ। जो लोग आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी को समझ पाते हैं उन्हें इस पहेली का हल इस तरह मिलता है। आर्यभट्ट ने यह रचना 499 ईस्वी में की थी और उस वक्त उनकी उम्र 23 बरस की थी। हर संस्कृति के लोगों ने रात के आसमान की तरफ देखा है और सवाल पूछे हैं, जैसे रात को सूरज कहां छुप जाता है। कई हजारों साल बाद नए सवाल पैदा हो जाते हैं, जैसे अलग अलग घूमते ग्रह कभी कभी एक साथ नजर आते हैं किसी खास क्रम में, क्यों? और आज हम जानना चाहते हैं कि तारे कैसे बनते, उनका अंत कैसे होता है। इससे हमें ब्रह्मांड के जन्म के बारे में पता लगेगा, जो आज एस्ट्रोनॉमी में एक मूल समस्या है। सवाल क्या है, जवाब कैसे हैं? इनसे मालूम होता है कि किसी युग में विज्ञान का क्या स्तर था और मनुष्य ने ब्रह्मांड में अपने आप को, अपनी हैसियत को किस नजर से देखा। प्राचीन एस्ट्रोनॉमी को समझना इसीलिए जरूरी हो जाता है। आर्यभट्ट का दौर वो दौर था जब भारतीय खगोल शास्त्र में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा था और आर्यभट्ट ने इसे नई दिशा दी।
इससे जो नई एस्ट्रोनॉमी बनी उसे आगे चलकर सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी का नाम दिया गया। सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी का गणित प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के गणित से कहीं ज्यादा विकसित था। यूं तो इस विकास के कई पहलू थे, लेकिन इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है ग्रहों के भ्रमण की बात। ग्रह सितारों से बिल्कुल अलग है। उस समय लोग ये मानते थे कि सितारे आकाश पर अपनी अपनी जगह जमे हुए हैं और सारा नवमंडल एक नियमित गति से घूम रहा है, इसीलिए उन्हें सितारे घूमते हुए लगते थे, पर उनकी बीच की दूरियां और उनकी दिशाएं निश्चित होती थी। लेकिन ग्रह नवमंडल में घूमते हुए ऐसे लगते थे जैसे बड़ी मनमानी से ठहर रहे हो, जैसे मंगल। आर्यभट्ट लिखते समय 7 महीनों के दौरान मंगल के घूमने का रास्ता जो आर्यभट्ट ने देखा होगा, इसका हमने कंप्यूटर की मदद से चित्र बनाया। जाहिर है इस अनोखी चाल का कोई कारण जरूर होगा, इसके पीछे कोई नियम भी होगा, फिर उन्होंने इसे कैसे समझा? मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये आकाश का घेरा, और मंगल ये, अच्छा मैं जरा इसे आसान तरीके से समझाता हूं। पृथ्वी, आकाश, मंगल। अगर मंगल आकाश पर चिपका हुआ है और आकाश एक नियमित गति से घूमे तो मंगल का मार्ग भी गोल बन जाता है, पर हम देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है। तो फिर समस्या को कैसे सुलझाया गया? इसका आधार हमें मिलता है एपिसाइकल की कल्पना में, जो यूनानी यानी ग्रीक एस्ट्रोनॉमी से भारत में आई। मान लीजिए एक छोटा सा सर्कल बड़े सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर नियमित गति से चक्कर काट रहा है और साथ साथ खुद भी पहिए की तरह घूम रहा है। अब इस छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई एक बिंदु लेते हैं और देखते हैं इसका मार्ग कैसा बनता है। देखा, बिंदु धीमा हुआ, मुड़ा, मार्ग बदलकर पीछे पलटा और फिर तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल मंगल की तरह। आर्यभट्ट ने इस ग्रीक कल्पना को अपनाया और इसका विकास किया। उन्होंने भी सूरज के बजाय पृथ्वी को ही केंद्र माना, लेकिन इस फर्क के साथ कि आकाश स्थिर है और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है। पृथ्वी के घूमने की गति जो उन्होंने तय की थी उससे एक दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड का, और आज साइंस के अनुसार यह समय है 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड का, सिर्फ 0.009 सेकंड का फर्क। आर्यभट्ट में हमें पहली बार एक बहुत विकसित मैथमेटिक्स का परिचय होता है, जैसे साइन टेबल खोजने वाले वो शायद पहले मैथमेटिशियन थे, और इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस के इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने के साधारण विधि भी उन्होंने ही खोजी थी। आर्यभट्ट में सर्कल की परिधि और व्यास का रेशियो 3.1416 माना है, इसकी यानी पाई की मौजूदा वैल्यू भी 4 अंकों तक वही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्यभट्ट ये भी कहते हैं कि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट है। फिर भी 100-150 साल बाद ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट की निंदा करता है। ब्रह्मगुप्त, वो तो राहु केतु की बातें करता था और एस्ट्रोलॉजी को भी। पर ब्रह्मगुप्त से भी पहले वराहमिहिर ने राहु केतु की बातें की ग्रहण को समझाने के लिए, और वो भी तो आर्यभट्ट के काम को जानता था। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, वो तो हमारे यहाँ यूनान से आए। देखो, आई कहीं से भी हो, घर तो यहाँ पर ही बना लिया है ना। हाँ हाँ, तभी तो वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका का एक तिहाई हिस्सा एस्ट्रोलॉजी से भरा है। मैंने पढ़ा है कहीं कि एस्ट्रोनॉमी बढ़ी तो उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी बढ़ी, ये कैसे हो सकता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी कब शुरू हुई? जब लोग इत्तेफाक को कारण मानने लग गए, है ना। कितने उदाहरण हैं, जैसे कि मिस्र में सीरियस तारे का उदय होना और नील नदी की मौसमी बाढ़ का आना साथ साथ होता था। तब लोग समझने लगे कि सीरियस तारे के कारण ही बाढ़ आती है।
ग्रहतारों के योग का पृथ्वी की घटनाओं पर असर पड़ता है। ये गलतफहमी एक बार हो गई तो बस, लोग ग्रहों के उल्टे सीधे चलन के बारे में जितना ज्यादा समझने लगे उसी हद तक वे मानव जीवन के बारे में भविष्यवाणी भी करने लगे। ब्रह्मगुप्त तक आते आते रूढ़िवाद का जोर बढ़ गया था। नौजवान ब्रह्मगुप्त पर इस माहौल का असर पड़ा होगा। जब वो 30 साल का था यानी 7वीं सदी में, तब उसने स्मृतियों का आधार लेकर आर्यभट्ट की निंदा की, लेकिन लगता है बुढ़ापे में उसमें खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र की गहरी समझ पैदा हो गई। तब वो चीज़ों को ज़्यादा खुली नज़र से देखने परखने के काबिल हुआ और 66 वर्ष की उम्र में उसने अपने खंड खाद्यिका में आर्यभट्ट की तारीफ की। उस जमाने के विद्वानों की भी मजबूरी रही होगी, समाज में मान्यता के लिए उन्हें वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक मामलों को भी साथ साथ रखना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करते तो मुमकिन है कि आज हम उनके नाम से भी वाकिफ। और ये भी हो सकता है कि उनकी आस्था यही रही हो, थे तो वो भी इसी समाज का हिस्सा। इसीलिए मैं आर्यभट्ट को विशेष मानता हूँ। अगर शुरू और आखिर के वंदना के अंश को छोड़ दें तो गैर वैज्ञानिक मामलों का आर्यभट्टिया में जरा भी जिक्र नहीं है। निरीक्षण अनुमान तर्क एक तरफ तो दूसरी तरफ दैवी शक्तियों की प्रेरणा आदि बातें। आमतौर पर उस समय के सभी विज्ञान संहिताओं में इन दोनों तरीकों का जिक्र मिलता है। ये संहिताएं ब्राह्मणों के एक छोटे से दायरे में सीमित थी और व्यावहारिक दुनिया से कटी हुई थी, इसलिए बौद्धिक ज्ञान और व्यावहारिक प्रयोगों का मेल नहीं हो पाया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि गैर वैज्ञानिक मामले विज्ञान की राह का रोड़ा बनते गए। वैज्ञानिक मामलों को आगे बढ़ाने के बजाय उन पर टीका टिप्पणी होती रही और जिस ज्ञान में वे बाकी दुनिया से आगे थे उसमें भी पिछड़ गए। ये बात केवल आयुर्वेद और एस्ट्रोनॉमी में ही नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी हुई और इसके परिणाम आने वाले दौर में महसूस होने वाले थे।